नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आपके लिए एक और जीवन परिचय लाया हूं। जानना चाहेंगे किसका? तो मैं लाया हूं आज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो आइए जानते हैं इनका जीवन परिचय। नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हूं। सुना है आप मेरा जीवन परिचय ढूंढ रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब मेरा जीवन परिचय तो मैं ही बता देता हूं। तो बच्चों, मेरा जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा ओझवलिया गांव के एक प्रतिष्ठित सरयूपारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। मेरे पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। मेरी माता ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह मेरा बालक जीवन में संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। सन 1930 ईस्वी में मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। मेरी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कवि गुरु रविंद्रनाथ की विश्व विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, जहां मैं सन 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहा। यही मेरा विस्तृत स्वाध्याय और सृजन का शिलान्यास हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने मुझे D0 Lit 0 की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1950 ईस्वी में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुआ। सन 1957 ईस्वी में मुझे पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1958 ईस्वी में मैं राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बना। मैं कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी सभा के उपसभापति, खोज विभाग के निर्देशक तथा नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक रहा। इसके बाद सन 1960 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक मैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहा। तत्पश्चात मैंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया, लेकिन 18 मई 1979 ईस्वी को मेरा निधन हो गया। मेरी साहित्य बहुत विस्तृत है। कविता और नाटक के क्षेत्र में मैंने प्रवेश नहीं किया। मेरी कृतियां वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित, जैसे कि मेरी प्रमुख इतिहास है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। मेरी प्रमुख निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। मेरी प्रमुख उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा आदि। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट में लिखिए आपको कौन सी कहानी चाहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द ही आपसे मिलने आ रहे हैं नई वीडियो के साथ। कृपया तैयार रहे, अपना प्यार बनाए रखे। धन्यवाद।